बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 18 मार्च को हो सकता है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इंटर का रिजल्ट 18 मार्च को जारी किया जा सकता है, 14 मार्च से हो सकता है टॉप्स का वेरिफिकेशन। और रिजल्ट को लेकर बीएसईबी ने पूरी तैयारी कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बिहार बोर्ड रिजल्ट को लेकर ये बड़ी खबर। 18 मार्च को रिजल्ट आ सकता है इंटर का, और 14 मार्च को हो सकता है टॉपर्स का वेरिफिकेशन। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। रजनीश, बिहार बोर्ड रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, रिजल्ट जो है 18 मार्च को आ सकता है, और इसके लिए तैयारी पूरी तरह से बीएसईबी ने कर ली है। जो तैयारियां थी, जिस तरीके से रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट लाया जा रहा है, परीक्षा से मैंने खत्म हुई है, और उसके बाद अब रिजल्ट की प्रक्रिया भी करीब करीब पूरी कर ली गई है। और ये खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 18 मार्च को रिजल्ट आ सकता है, और ये रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन होगा। आपको याद होगा कुछ साल पहले टॉपर्स को लेकर ही कई बड़ी फजीहत हुई थी बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के, जिसमें जो टॉपर्स थे वो फेक टॉपर सामने आए थे, और उसके बाद से पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए आनंद किशोर को बीएसईबी का अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद से पूरी परीक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया। जो परिणाम है उसको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, उसके लिए पूरा बदलाव लाया गया। और साथ ही जो टॉपर्स है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। पहले होता था कि जो टॉपर किसी लायक नहीं होते थे, चोरी से वो पास कर जाते थे, दूसरे लोग उनके बदले एग्जाम दे देते थे और वो सामने आते थे, लेकिन इस बार बकायदा टॉपर्स का वेरिफिकेशन भी होता है। यानी अगर आप टॉप हुए हैं तो आपको फिर से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और बोर्ड अपने तरीके से उनका इंटरव्यू लेती है, उनसे पूछताछ करती है, और वो वेरिफिकेशन भी उम्मीद है कि मंगलवार से शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश।